इंडियन हाँ ऑफिस बस पर आप मेरे साथ चलो देख दो रहे हैं मिनट आंकड़ लाइव न्यूज 5 मिनट और मिल्स राजस्थान अवार्ड 2021 के मद्देनजर इस वक्त हम जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मौजूद हैं और यहाँ पर कहाँ से पहुंची हुई मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनको भी रॉयल राजस्थान अवार्ड दिया गया है। आपका शुभ नाम प्रिया जी, जिस प्रकार से आप मेकअप के क्षेत्र में एक आर्टिस्ट के रूप में अपना योगदान दे रही है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, इस अवार्ड को लेने के बाद किस प्रकार का मैसेज आप कम्युनिटी में देना चाहेंगे? ये अवार्ड लेने के बाद पहली चीज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी अवार्ड जीते हैं वो मैंने मेरी फील्ड के अकॉर्डिंग के जीते हैं, ओनली मेकअप और इसके जीते हैं। बट पहली बार मुझे मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग का एक कोई अवार्ड मिला है जो कि मेरे फील्ड के लिए भी मिला है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मैं थैंक करना चाहूँगी कुलवंत जी का और सभी ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस अवार्ड के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो हमेशा ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, तो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो ये लोग, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने हमारे कल्चर को कंटिन्यूटी में रखा है। कोटा से यहाँ पर प्रिया जी पहुँचे थे और एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आपको सम्मान मिला है, जितने भी मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी जिनको अवार्ड दिया गया है और साथ में आपको भी मिला है, क्या मैसेज जयपुर के जवाहर कला केंद्र से उन सभी प्रतिभाशाली पर्सनालिटी को यहाँ से जाएगा और उनके माध्यम से? अभी कुलवंत जी सर कह रहे थे कि जो कोरोना के दौरान जो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिस्ट हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनको कहीं ना कहीं उनके रोजगार से रिलेटेड या कुछ और प्रॉब्लम्स आई, तो हमने उनको मंच दिया और बूस्ट करने का एक प्रयास किया, इस पर क्या कहेंगे आप? किस प्रकार से आप मतलब ये जो अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको आगे बढ़ने का जो सपना है कुलवंत जी का कि वो आगे बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पहली चीज जो इन्होंने किया है ये बहुत अच्छा है कि ये जो हमारी जनरेशन है वो आगे बढ़ा रहे हैं, अगर कोई भी आपको अवार्ड मिलता है तो आप उससे मोटिवेट होते हैं, तो ये चीज इनकी बहुत अच्छी है और ये हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है, तो इसके लिए बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है हमारी एंटायर कंट्री के लिए, नॉट ओनली फॉर राजस्थान बट हमारी पूरी कंट्री के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो ये थे हमारे सर प्रिया जी कलरा जी के कोटा से मेकअप आर्टिस्ट के रूप में धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ में अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस और आज अवार्ड के रूप में कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने विचार अपने अनुभव को शेयर किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब।